students, my name is Sunita Sawant and today we are going to start with history, lesson number one, sources of history. Okay, बच्चों last year आपने 7th standard में भी sources of history के बारे में पढ़ा होगा, plus last year जो आपने history में पढ़ा था वो mostly शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा, मराठा powers के बारे में पढ़ा and the times before शिवाजी महाराज, फिर उनका मुगल्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसके बारे में आपने पढ़ा होगा. ओके, इस साल आप क्या पढ़ने वाले हो हिस्ट्री में? इस साल भी आप सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, यूरोप और इंडिया के बारे में, फिर ब्रिटिश रूल का क्या इफेक्ट रहा इंडिया के ऊपर उसके बारे में पढ़ोगे, और अलग अलग फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट. ओके, एंड ऑल्सो यू विल स्टडी अबाउट स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. ओके, एंड हाउ इंडिया गेन्स इम्पोर्टेंस, सॉरी हाउ इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस, उसके बारे में आप पढ़ोगे इस साल. एंड ऑल्सो अबाउट द क्रिएशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट. ओके, now let us see what is sources of history. Okay, now what do we understand by sources of history? Sources of history यानी वो सारी चीजें, वो person या place जिसको obtain करके आप history के बारे में पता लगा सकते हो. Okay, now कितने type of sources है? Material sources है, written sources है and oral sources है, right? And अभी modern history में और एक source add हुआ है, that is audiovisual source. Okay? Now let us see. We have studied the sources of ancient and medieval Indian history. This year we are going to study the sources of modern Indian history. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, राइट? इस साल हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में. ओके, हिस्टोरिकल सोर्सेस इंक्लूड मटेरियल, रिटन एंड ओरल सोर्सेस. हिस्टोरिकल सोर्सेस में क्या क्या आते हैं? मटेरियल सोर्सेस आते हैं. मटेरियल सोर्सेस मतलब ऑब्जेक्ट्स. ओके, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कॉइन हो गया या बिल्डिंग हो गए या मॉन्यूमेंट्स हो गए वो. देन रिटन सोर्सेस यानी जो भी लिखित रूप में है, जैसे कि कोई लेटर्स हो गया या कोई बुक हो गया, न्यूज़पेपर हो गया. ओके, वो. एंड ओरल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस में क्या आएंगे? फोक सॉन्ग्स हो गए या फिर कोई प्रोवर्ब्स हो गया या फिर कोई स्टोरी हो गया वो. ओके, नाउ सिमिलरली सोर्सेस बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ऑडियो वीडियो एंड ऑडियो विजुअल आर इंक्लूडेड. अभी जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यू नो एडवांस होती जा रही है, ओके, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते जा रही है, हमारे पास और भी सोर्सेस अवेलेबल होते जा रहे हैं, जैसे कि वीडियो. वीडियो यानी जिसको हम देख सकते हैं. ओके, ऑडियो यानी जिसको हम सुन सकते हैं एंड ऑडियो विजुअल यानी जिसको हम देख और सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया या फिर टीवी हो गया. ओके, नेक्स्ट. नाउ लेट अस सी मटेरियल सोर्स. नाउ एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ मॉन्यूमेंट. ओके, मॉन्यूमेंट, स्कल्पचर. ओके, देन प्लेसेस, बिल्डिंग्स, देन कॉइन्स. ये जो सारी चीजें हैं इट कम्स अंडर द मटेरियल सोर्सेस. ओके, नेक्स्ट. बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस. ओके, द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव्ड एज पीरियड ऑफ यूरोपियन, especially the British rulers, the governments of princely states. Okay, modern history का जो period है, it is a period of European. It specially the British rulers. Okay,
जब हमारे कंट्री में ब्रिटिश का राज था उस टाइम, एंड द गवर्नर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, गवर्नर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स यानी राजा महाराजाओं का दौर, ब्रिटिश रूल जब चल रहा था अपने कंट्री में उस टाइम पे अपने कंट्री में राजा महाराजाओं का भी राज चल रहा था. ओके, इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स एक्सेट्रा वर बिल्ट. मतलब ये जो पीरियड है उस टाइम में बहुत सारे बिल्डिंग्स बिल्ड किए गए, ब्रिजेस बिल्ड किए गए, देन रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स बिल्ड किया गया. तो ये सारी जो चीजें है, इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मटेरियल. ओके, मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ये हमारे लिए बनता है. नेक्स्ट, दीज बिल्डिंग्स इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेसिडेंसेस ऑफ ऑफिसर्स, लीडर्स एंड रेवोल्यूशनरीज, पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, फोर्ट्स, प्रिजन्स एक्सेट्रा. ये जो बिल्डिंग है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसेस. ओके, अलग अलग गवर्नमेंट के ऑफिसेस उसमें इंक्लूड होते हैं, एंड ऑफिसर्स के रहने का रेसिडेंस, रेसिडेंस यानी घर, यानी जहां पर ऑफिसर्स रहते हैं या लीडर्स या रेवोल्यूशनरीज. ओके, जो रहते थे उनका घर, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मटेरियल सोर्स. ओके, देन पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी राजा महाराजाओं का जो पैलेस, जो महल होता है वो भी मटेरियल सोर्स है. देन फोर्ट्स, प्रिजन्स. ओके, किले, अलग अलग किले, फोर्ट्स एंड प्रिजन भी मटेरियल, इंपॉर्टेंट मटेरियल सोर्स है. ओके, नाउ बिल्डिंग्स आर अमंग दीज मॉन्यूमेंट्स, मेनी बिल्डिंग्स आर इंटैक्ट इवन टुडे. ओके, बहुत जो पुराने बिल्डिंग्स है वो मे बी ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज या वॉर, ओके, या फिर रेनोवेशन या रीडेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन कुछ कुछ बिल्डिंग्स अभी भी इंटैक्ट है. ओके, एंड सम आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल मॉन्यूमेंट, वेयर एज सम आर कन्वर्टेड इंटू म्यूजियम, फॉर एग्जाम्पल सेलुलर जेल इन अंडमान. इनमें से जो कुछ बिल्डिंग्स है, ओके, किसी किसी कोई कोई बिल्डिंग को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया और कोई कोई बिल्डिंग्स को क्या किया है, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया. ओके, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर एक नेशनल मॉन्यूमेंट का, दैट इज सेलुलर जेल इन अंडमान. ओके, बच्चों आपको पता होगा अंडमान और निकोबार आइलैंड जो कि इंडिया का ही पार्ट है. ओके, वहां पर सेलुलर जेल है. ये जो जेल है ये ब्रिटिशर्स ने कंस्ट्रक्ट किया था. ओके, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में उस टाइम उन्होंने ये जेल बनाई थी. हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स है, जो भी इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ते थे उनको वहां पर रखने के लिए उन्होंने वो जेल बनाई, जो कि बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, वहां पर उन्होंने वो जेल बनाई ताकि उनका यू नो रिटर्न आना वहां से और फिर अगेन फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए, इसलिए उन्होंने वहां पर वो जेल बनाई. ओके, एंड नाउ इट इज अ नेशनल मॉन्यूमेंट. अभी जो ये जेल है वो एक नेशनल मॉन्यूमेंट है. ओके, नेक्स्ट, सी दिस पिक्चर. ये आउटर व्यू है उस जेल का, सेलुलर जेल का आउटर व्यू है और ये अंदर का पार्ट है. ओके, ये बहुत बड़ा जेल था, उसमें ऑलमोस्ट यू नो 7 विंग्स थे. ओके, बहुत बड़ा जेल था. अगर आपने इस पिक्चर देखा होगा या फिर टीवी देखा होगा तो उसमें लाइक डायलॉग्स आपने सुने होंगे, सजाए काला पानी. अगर आपने ये वर्ड सुना है काला पानी, सेलुलर जेल को काला पानी भी कहा जाता है. यानी ये बहुत ही, जिसको सीवियर पनिशमेंट देना होता है उन प्रिजनर्स को ये जेल में भेजा जाता था. ओके, नेक्स्ट, वाइल विजिटिंग दीज साइट्स वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट कंटेम्पररी
नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड। जब हम ऐसे साइट्स में विजिट करते हैं तो हमको उस टाइम पे जो भी चीजें वहां पर घटी उस टाइम का जो भी इवेंट था उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। यानी जैसे कि उसके आर्किटेक्चर के बारे में, नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट, जो भी मॉन्यूमेंट है उसके बारे में, एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, वो सारी चीजों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ओके, जस्ट एज ड्यूरिंग द विजिट टू सेलुलर जेल इन अंडमान वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवोल्यूशनरी वर्क ऑफ वी डी सावरकर बाय विजिटिंग मणि भवन इन मुंबई और सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गांधीयन एरा। ओके, जैसे अगर आप सेलुलर जेल में विजिट करोगे अंडमान में, वहां पर आपको वी डी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, उनके रेवोल्यूशनरी वर्क के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो जो जेल है वहां पर उनको इम्प्रिजन किया गया था, विनायक दामोदर सावरकर को एंड और भी लोग है जैसे बटुकेश्वर दत्त, उनको वहां पर इम्प्रिजन किया गया था, तो उनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। ओके, एंड बाय विजिटिंग मणि भवन इन मुंबई, मणि भवन म्यूजियम है। ओके, वहां पर भी अगर आप विजिट करोगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी मिलेगी अबाउट गांधीयन एरा। ओके, एंड सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा, वर्धा इज अ प्लेस सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, वहां पर भी अगर आप जाओगे तो आपको गांधी जी के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, नाउ सी द पिक्चर्स। ये जो है ये मणि भवन का है। ओके, दिस टू पिक्चर्स आर ऑफ मणि भवन एंड ये नीचे आप देख रहे हो वो पिक्चर, ये सेवाग्राम आश्रम का है जो वर्धा में सिचुएटेड है। ओके, अगर आप इन प्लेसेस में विजिट करोगे तो आपको गांधी जी के बारे में, उनके जो भी रेवोल्यूशनरी वर्क है, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज उन्होंने किया या जो भी सोशल एक्टिविटीज उन्होंने किया, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो म्यूजियम्स एंड हिस्ट्री, हाउ म्यूजियम्स एंड हिस्ट्री आर कनेक्टेड। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड सच अदर थिंग्स आर प्रिजर्व इन अ म्यूजियम। म्यूजियम में ऐसे सारे हिस्टोरिकल चीजों को प्रिजर्व किया जाता है जो कि रेफरेंस के लिए काम आता है, जैसे पेंटिंग्स हो गए या फोटोग्राफ्स हो गए या फिर अलग अलग आर्टिफैक्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। ओके, ये सारी चीजों को वहां पर प्रिजर्व किया जाता है ताकि आप हिस्ट्री के बारे में जान सको। ओके, एट द आगा खान पैलेस इन पुणे वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अगर आप आगा खान पैलेस जो कि पुणे में सिचुएटेड है, अगर आप वहां पर विजिट करोगे तो आपको गांधी जी के बहुत सारा लाइफ के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ओके, ये जो पैलेस है वो सुल्तान मोहम्मद आगा खान द थर्ड ने बिल्ड किया था। ओके, एंड ये जो पैलेस है उसको एज अ प्रिजन यूज किया गया था उस वक्त, गांधी जी और उनके वाइफ कस्तूरा गांधी, कस्तूरबा गांधी एंड उनके जो सेक्रेटरी है महादेव देसाई, उनको वहां पर इम्प्रिजन किया गया था। ओके, एंड उनके जो वाइफ है और सेक्रेटरी, उनका डेथ भी इसी म्यूजियम में हुआ। ओके, जब वो एज अ प्रिजन यूज किया गया था उस टाइम पे, तो वहां पर जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गांधी जी के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा।
गांधी जी, ओके, ये सारे ऑकेजन्स वहां पर अभी सेलिब्रेट होते हैं, ओके। नाउ सी दिस पिक्चर, ये आगा खान पैलेस है, ओके, ये इसका आउटर लुक है, ऐसे दिख रहा था वो पैलेस, ओके। नेक्स्ट, स्टैचूज एंड मेमोरियल्स। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मेमोरियल्स ऑफ मेनी पर्सनैलिटीज वर इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैचूज, ओके। प्री इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के पहले का पीरियड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद का पीरियड, ओके। दोनों भी टाइम पे फेमस पर्सनैलिटीज जो भी लीडर्स थे या हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके जो स्टैचूज है वो बनाए जाते थे एंड दिस स्टैचूज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो स्टैचूज है वो हिस्ट्री स्टडी करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन स्टैचूज के थ्रू आप हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हो, ओके। द वेरियस स्टैचूज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्पररी रूलर्स एंड एमिनेंट पर्सनैलिटीज। जो अलग अलग पर्सनैलिटीज के जो स्टैचूज है आप उस टाइम का उस पीरियड के बारे में आप पता लगा सकते हो जब आप वो स्टैचूज देखोगे और उसको स्टडी करोगे, ओके। नेक्स्ट, द डिस्प्ले प्लाक ऑन द स्टैचू गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द फुल नेम ऑफ द कंसर्न पर्सन, बर्थ एंड डेथ डिटेल्स, ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ द पर्सन। जो स्टैचूज है वहां पर डिस्प्ले प्लाक रहता है। प्लाक का मतलब है एक प्लेट, ठीक है, वो प्लेट चाहे मेटल का भी हो सकता है या वुडन भी हो सकता है, ओके। वो प्लेट रहता है, वो प्लेट के ऊपर वो जो पर्सन का स्टैचू है उसका बर्थ डेथ उसका डिटेल्स और उस पर्सन के बारे में थोड़ा मतलब ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दिया जाता है और उन्होंने उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ओके, अपने कंट्री के लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। बायोग्राफिकल स्केच मतलब वो जो पर्सन है उनका डिटेल, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में डिटेल, इट इज ऑल्सो नोन एज बायो स्केच, ओके। तो वो पर्सन का डिटेल उस प्लेट के ऊपर मेंशन किया जाता है। जस्ट एज द स्टैचूज ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये जो फेमस पर्सनैलिटीज है उनके जो स्टैचूज है उनके स्टैचूज के ऊपर प्लाक रहता है, डिस्प्ले किया हुआ रहता है, जिससे आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन अक्वायर कर सकते हो और उनके बैकग्राउंड में क्या इवेंट्स होते थे, क्या इकोनॉमिक कंडीशन था, वो सब आप जान सकते हो। अम्बेडकर, देर आर मेमोरियल्स विच आर इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ वेरियस इवेंट्स विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसर्न इवेंट पीरियड पीपल रिलेटेड टू द इवेंट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेसेस। जैसे कि एक इंडिविजुअल का या पर्सन का स्टैचू होता है, ठीक है, और उनके बारे में डिटेल दिया जाता है उस स्टैचू के बारे में, वो पर्सन के बारे में, वैसे ही अलग अलग इवेंट के बारे में, ठीक है, मेमोरियल्स इरेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, एक स्मारक जिसको बोलते हैं उसको बनाया जाता है, अलग अलग इवेंट को उनके मेमोरी में वो बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हुतात्मा स्मारक, हुतात्मा मीन्स मार्टिर्स, मार्टिर्स यानी जो भी लोग फ्रीडम फाइटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें अपना अपना लाइफ लोग गवाते हैं, उनको मार्टिर्स बोलते हैं। तो एक वैसे ही इवेंट से रिलेटेड स्मारक बनाया जाता है, दैट इज हुतात्मा स्मारक, जो कि अलग अलग प्लेस में लोकेटेड है, ओके। अभी आप स्क्रीन में नजर डालो तो आपको कुछ स्टैचूज दिख रहे हैं, ओके, लोकमान्य तिलक,
महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एंड ये जो आपको दिख रहा है ये है हुतात्मा स्मारक। हुतात्मा का मतलब मैंने आपको पहले बताया था मार्टिर्स, मार्टिर्स यानी जो शहीद हो गए हैं उनका स्मारक। ओके, तो सिर्फ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज का ही